लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल ज्ञान्स चैनल को और बेल के आइकन को दबाइए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखिए। दोस्तों, अगर आप स्मार्टफोन यूजर हैं तो आप अपने स्मार्टफोन में कई सारे एप्लीकेशन को यूज में लेते होंगे। अब वो जो एप्लीकेशन है वो चाहे हो एमएक्स प्लेयर, या तो वीडियो प्लेयर हो, या तो दोस्तों कोई म्यूजिक प्लेयर हो, या तो फिर वो किसी अदर सब्जेक्ट का एप्लीकेशन हो, किसी भी चीज का एप्लीकेशन हो, वो आप एप्लीकेशन को यूज में लेते होंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे जब आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो हो सकता है आपसे उस एप्लीकेशन से पैसे मांगे जाते हों, और हो सकता है आपसे एप्लीकेशन के कुछ भी पैसे नहीं मांगे जाते हों। बहुत सारे एप्लीकेशन तो फ्री ही होते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी क्या आपने ये सोचा है कि आप गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करें या एप्पल ऐप स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करें? ये जो बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं ये फ्री क्यों होते हैं? आखिर क्यों ये डेवलपर इसको डेवलप करता है और आपके लिए ये पूरी तरीके से फ्री रखा जाता है? क्यों? मतलब वो किस तरीके से इससे कमाई करता है? क्या वो कमाई करता भी है या तो फिर जन सेवा कर रहा है फ्री में? दोस्तों, आज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं इसके पीछे की सारी सच्चाई आपको बताने वाला हूं, कैसे वो कमाई करता है, इसके पीछे का बिजनेस मॉडल क्या होता है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण गुप्ता, आप देख रहे हैं टेक्निकल ज्ञान। चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी बात आती है एप्लीकेशन की तो भैया इतने सारे एप्लीकेशन हमारे माइंड में चलते हैं कि भैया कितने सारे एप्लीकेशन है, चाहे वो गूगल प्ले स्टोर हो या फिर एप्पल आई स्टोर हो, दोनों में ही कई सारे मिलियंस एप्लीकेशन भरे पड़े हुए हैं। और दोस्तों, उन सभी को लोग यूज में लेते हैं। कुछ एप्लीकेशन ऐसे हैं जो पैड हैं, कुछ एप्लीकेशन ऐसे हैं जो फ्री हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करता हूँ ये पैसे कैसे कमाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे इनका बिजनेस मॉडल सिंपल है और कुछ तीन चार टॉपिक्स में बटा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, बहुत से एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिसको आप जब डाउनलोड करते हैं तो उससे पहले ही आपको पैसे देने पड़ते हैं। इन एप्लीकेशन को कहते हैं दोस्तों पैड एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, इसको पैड एप्लीकेशन या प्रीमियम एप्लीकेशन या तो फिर दोस्तों सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन वगैरह वगैरह कह सकते हैं आपन। और दोस्तों, इस एप्लीकेशन में ऐसा होता है कि इस पे कुछ स्पेशली वर्क होता है, उसको डिजाइन इस तरीके से किया जाता है। वो किसी भी वर्क के लिए डिजाइन किया गया हो वो डिपेंड करता है उस कंपनी पे जो उस चीज को डिजाइन कर रही है और किस सब्जेक्ट में डिजाइन कर रही है, वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो सकता है। अब दोस्तों, जब आपको उसकी जरूरत आती है तो उसको आप क्या करते हैं, डाउनलोड करने आते हैं। अब डाउनलोड करने आते हैं तो वहां पे पहले लिखा रहता है पैड एप्लीकेशन, यानी कि इस पे कुछ रुपए भी लिखा होगा कि मतलब 200 रुपए, 250 रुपए। दोस्तों, जब तक आप यहाँ पे पैसे को पे नहीं करेंगे तब तक आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, फिर आप कुछ भी कर लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो हो गया, ये मॉडल हो गया बिजनेस मॉडल। इस तरीके से ये एक तरीका ये हो गया एप्लीकेशन से पैसे कमाने का, जो कि गूगल प्ले स्टोर हो या तो एप्पल आई स्टोर हो, दोनों में ही अवेलेबल है पैड एप्लीकेशन। दोस्तों, यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन आता है, दूसरा मतलब पॉइंट जो है पैसे कमाने का, वो ये होता है कि आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं और वो जो एप्लीकेशन है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का है, किसी कंपनी का है, या तो फिर किसी हॉस्पिटल का है, किसी स्कूल का है, कहीं का भी है। आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं लेकिन उसकी मेंबरशिप आपको नहीं मिलती। आप डाउनलोड करके इंस्टॉल जब करते हैं तो वहां पे लिखा आता है कि भी आपको इसकी मेंबरशिप चाहिए, तो आपको उस कंपनी द्वारा मेंबरशिप दी जाएगी और कुछ पैसे होते हैं वो आपको पे करने होते हैं, तब आप उस पर अगली प्रोसेस में जा पाते हैं। अदरवाइज आप आगे नहीं जा पाएंगे, आप उस एप्लीकेशन को सिर्फ डाउनलोड करके रखे रहेंगे, इस पर आप आगे कुछ भी वर्क नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको कुछ आगे वर्क करना है उस एप्लीकेशन में, कुछ मतलब जो भी जिस सब्जेक्ट में वो एप्लीकेशन बना है उस सब्जेक्ट के में आगे वर्क आपको करना है, तो उससे मेंबरशिप लेनी पड़ती है अपन को, या तो दोस्तों आपको आपको मतलब कुछ पैसे देने पड़ते हैं, उसके बाद वो मेंबरशिप आपको देगा और उसकी जो भी सुविधाएं उसका लाभ आप उठा पाएंगे। तो दोस्तों, ये हो गया सेकंड बिजनेस मॉडल एप्लीकेशन से पैसे कमाने का। और दोस्तों, यहां पे तीसरा जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में शायद आप कुछ जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन मैं आपको सिंपली बता देता हूं। ये जो बिजनेस मॉडल है दोस्तों, इस बिजनेस मॉडल में आपको एप्लीकेशन फ्री में डाउनलोड कराया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी पैसे नहीं लगते हैं, आपको सिर्फ यहाँ पे मतलब एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और आपको 1 भी रुपए नहीं देना है। वो एप्लीकेशन बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो फ्री ही है, 1 भी रुपए उस पर आपको नहीं देना है। लेकिन दोस्तों, क्या वो लोग पागल हैं क्या? उनको मतलब वो फ्री में आपको एप्लीकेशन दे रहे हैं? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप ऐसा सोचते हैं कि वो आपको फ्री में दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो उन एप्लीकेशन से भी ज्यादा कमाई कर रहे हैं जो डायरेक्ट पहले आपसे पैसे ले लेते थे। वो कैसे दोस्तों? दोस्तों, इसका पूरा खेल होता है एडवर्टीजमेंट का। जी हाँ दोस्तों, वो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड तो कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल एमएक्स प्लेयर को आप डाउनलोड कर लेते हैं या तो कोई सा भी म्यूजिक प्लेयर डाउनलोड कर तो लेते हैं, इसके बाद बीच बीच में उस पर एड आती है, ऊपर साइड एड, नीचे साइड एड, बीच पे एड, मतलब बहुत तरीके तरीके की एड आती रहती है। और ये जो एड्स आती है, ये तरीका जो है बहुत
बहुत बहुत पॉपुलर है और इससे बहुत ज्यादा कमाई होती है दोस्तों। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे मिलियन से भी ज्यादा कमाई होती है और वो डिपेंड करता है कि वो जो एप्लीकेशन है उसकी रीच कितनी ज्यादा है। दोस्तों ये जो बिजनेस मॉडल है ये बहुत पॉपुलर है और दोस्तों आपको गूगल प्ले स्टोर हो या तो एप्पल आई स्टोर हो, बहुत सारे जो एप्लीकेशन है यहाँ पे बहुत सारे फ्री में एप्लीकेशन मिलेंगे और ज्यादातर फ्री ही मिलेंगे। और जब ये फ्री मिलते हैं इसके बाद इस पे एड पे एड आपके साथ आते रहते हैं, आपके मोबाइल में आते रहते हैं और आप थोड़े से परेशान भी होते हैं, लेकिन वो जो है दोस्तों उनका कमाने का एक जरिया होता है। उसको वो डिजाइन ही इसलिए करते हैं कि भैया वो कुछ आपसे पैसा कमा सके हैं। दोस्तों ये हो गया तीसरा मॉडल। अब दोस्तों यहाँ पे एक और बिजनेस मॉडल आता है, वो आता है एकदम फ्री। दोस्तों यहाँ भी जो ये जो फ्री वाला मॉडल है, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप का नाम आपने सुना ही होगा, यूज भी करते होंगे। दोस्तों ये जो व्हाट्सएप होता है इस पे आपने कभी भी ऐड भी नहीं देखा और किसी तरीके से इस पे पैसे भी नहीं देना पड़ता है। दोस्तों क्या ये एप्लीकेशन फ्री है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे इसके पीछे का कॉन्सेप्ट कुछ और है। ये क्या करते हैं कि आपका जो पूरा पर्सनल डेटा है इसको रीड करते हैं, इसके बाद इसके तरीके से आपका ब्रेन वॉश करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी बात कर रहे हैं व्हाट्सएप में वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे आपका माइंड को पहले रीड किया जाता है, इसके बाद आपको टारगेट किया जाता है। इनका मतलब इसके पीछे भी बिजनेस मॉडल है। मतलब आप ये समझ लीजिए कहीं भी कुछ भी चीज आपको फ्री में मिल रही है तो वो समझ लीजिए आपको लग रहा है फ्री है, लेकिन वो पीछे उसका कुछ ना कुछ फायदा होता ही है। तो दोस्तों ये हो गए एप्लीकेशन से पैसे कमाने के कुछ तरीके। और दोस्तों एक मॉडल और होता है, वो होता है पूरी तरीके से फ्री तो होगा लेकिन उनको फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फ्लिपकार्ट और अमेजोन की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करते हैं और यहाँ पे हो सकता है वो एडवर्टीजमेंट लगाते हो सकता है नहीं लगाते हो, लेकिन दोस्तों अगर वो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नहीं भी लगाएंगे तो भी उनका ये जो एप्लीकेशन है ये बिजनेस एप्लीकेशन है और इसके द्वारा वो बहुत अच्छी कमाई करते हैं, क्योंकि उनका पूरा यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में वो बना हुआ है, बिजनेस बना हुआ है कि भैया वो आपके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हैं और आपके एप्लीकेशन से वो मटेरियल खरीद रहे हैं, तो इस तरीके से वो कमा लेते हैं। तो दोस्तों वो एडवर्टीजमेंट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, और नहीं भी लगाएंगे तो भी उनकी कमाई होती है क्योंकि उनका जो भी बिजनेस है वो आगे चलता रहता है। फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह कुछ इसी तरीके से वर्क करते हैं। दोस्तों ये है कुछ बिजनेस मॉडल एप्लीकेशन के सब्जेक्ट में कि कैसी ये एप्लीकेशंस जो है फ्री तो बता होती हैं लेकिन कैसे किस तरीके से वो पैसे कमाती हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो के सब्जेक्ट में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में आप मेरे को जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप मेरे को एक चीज जरूर बताइएगा कि क्या इससे पहले मतलब कभी भी आपने कोई सा पैड एप्लीकेशन को यूज में लिया है कि भैया पहले आपने उसको पैसे दिए हों उसके बाद आपने उस एप्लीकेशन को यूज में लिया हो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने लाल कलर की बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों आप भी बन जाइए हमारी टेक्निकल ज्ञान फैमिली के मेंबर। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।